हम लोगों का बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि जब से सविना मैडम आई है साथ में अपन मस्त हो गया। अदरवाइज दो दिन जो पेरिस का था उसमें हम लोग आ रहे सबका इंतजार हो रहा है। उसके बाद से जो इन्होंने एक अपना रूप दिखाया जो काली का रूप होता है उसके बाद सब लोग नहीं सब लोगों ने एंजॉय किया और मुझे जहाँ तक लगता है कि स्विट्जरलैंड में हम लोग बहुत ज्यादा स्विट्जरलैंड माउंट टिटलिस हुआ चाहे क्या ऊपर गए इंसा जो हम लोग गए थे इंटरलेकन ये बहुत मस्त सिटी है बहुत ही अच्छा स्वरास्ट्री में बहुत मजा आया हमें। सबसे कुछ हम लोग यहाँ से सीख ले मैं तो किसी को बता लेकिन हम लोग को कुछ सीख लेनी चाहिए यहाँ से जाते वक्त हम लोग को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। सबसे ओवरऑल होटल्स वगैरह काफी अच्छे थे साफ सुथरे और बहुत ही अच्छे होटल्स थे। लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी जो भी लोग थे मतलब कंट्री जिस कंट्री में हम लोगों ने विजिट करा वहाँ के लोग काफी अच्छे दिखे हर लोग कोऑपरेटिव थे। दो वी आर इंडियंस और यहाँ की लैंग्वेज नहीं थी इंग्लिश भी लोग नहीं समझ रहे थे बट स्टिल दे रिस्पॉन्डेड थ्रू सिंबल्स भी किया या बताया लोगों ने जो भी हम लोगों ने पूछा जो भी मन में जो इश्यूज आया उनको उन्होंने सॉल्व किया तो ये अच्छा लगा। कोई भी आंसर ये नहीं रहता था कुछ भी चीज बोलते थे तो उसको वो लोग रिस्पॉन्स देते थे होटल्स वाले। यूरोपा दर टूर का अच्छा था प्रोग्राम समिता मैम आई और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को प्लान किया टाइम मैनेजमेंट सिखाया। इनफैक्ट शुरू में हम लोग थोड़े ढीले थे बाद में जब टाइम मैनेजमेंट होने लगा तो चूंकि हमारा मेन मोटो था मैक्सिमम साइट सीइंग हो जाए टाइम में मैम का भी कंसेप्ट यही था कि सारा चीज कवर हो जाए क्योंकि टाइम वेस्ट होने से ये दिक्कत होता। फिलिप जो है बहुत ही सो डेडिकेटेड और अपने थोरो प्रोफेशनल जिस तरह से ये काम कर रहा है सीखने को काफी चीज है। द ड्राइवर वी कैन लर्न मेनी थिंग हाउ टू बी पंक्चुअल हाउ टू मतलब ही वॉज रेडी एट एवरी कॉल तो दैट इज द थिंग मतलब वी शुड लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। और समिता मैम के बारे में शी इज वेरी गुड एंड उन्होंने अच्छा गाइड किया ओवरऑल ट्रिप वॉज शी इज वेरी गुड एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल और एक अच्छी चीज कि हमारा जो है लेट होने के कारण जो पहला दिन रायने फॉल मिस हो चुका था समिधा मैम ने पंक्चुअलिटी दिखाते हुए टाइम मेंटेन करते हुए उसको एडजस्ट किया और हम लोगों को वो वोटिंग भी कराया दैट वी एंजॉयड अ लॉट बढ़िया। अब खाने का जहां तक बात है तो एक दिन का खाना तो इनफैक्ट उस दिन तो पसंद नहीं आया और बाकी दिन का खाना इंडियन टेस्ट के अनुसार नहीं था बट क्वालिटी ऑफ फूड वॉज गुड क्योंकि खाने वाले खाने के बाद कोई किस तरह की दिक्कतें नहीं आई मुझे तो नहीं आई एक्चुअली तो यू कैन से कि खाना वॉज गुड डेट वॉज नॉट एट पर आवर टेस्ट इंडियन का टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है तो ये था लेकिन ओवरऑल फाइन आई विल गिव गुड रेटिंग टू द ओवरऑल ट्रिप।